यह बात भी पक्का है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। पार्टी का पैसा है। एक्स अस्पताल, डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे, हाईटेक सुविधा से लैस, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा। आजाद भारत के इतिहास में यह पहला ऐसा घटना होगा जब आधिकारिक रूप से किसी व्यक्ति या व्यवसायिक के ठिकानों से नगद इतने रुपए की बरामदगी हुई है और यह अवैध संपत्ति है। चूंकि धीरज साहू जी ने जो आयकर रिटर्न में अपनी संपत्ति घोषित की है 2018 में, वह संपत्ति 34 करोड़ रुपए की मात्र बताई गई थी। तो 34 करोड़ रुपए की संपत्ति जिसको थी, उसके पास 200 करोड़ से अधिक का नगद रुपया उसके कंपनी में कहां से आ गया? इसका मतलब कि यह काली कमाई का ये तो पैसा है, या अवैध पैसा है, या कांग्रेस पार्टी का पैसा है। और इतने बड़े घटना के बावजूद कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता चुप हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष कुछ नहीं बोल रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी रोज बयान देते हैं। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं जब कोई बयान देने का अवसर मिलता है। लेकिन उनके एक सांसद के घर से 200 करोड़ रुपए से अधिक नगद मिला और अभी तक इन लोगों ने एक भी शब्द इस विषय पर नहीं बोला। दूसरा विषय, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का विषय सामने आया है लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने सांसद पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की। पूछा भी नहीं है अपने सांसद से कि तुम्हारे पास ये 200 करोड़ रुपया नगद आया कहां से कम बताओ तो। इसका मतलब बहुत साफ है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की भी पूरी तरीके से संलिप्तता है। और आज देश में यह बात भी पक्का है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। और जनता के पैसे को, जनता की कमाई को यदि कोई अपने घर में अवैध तरीके से रखना चाहेगा तो सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की गारंटी का नाम नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के नाम की गारंटी नरेंद्र मोदी। और जनता से लूटे हुए पैसे का हिसाब हर रोज लिया जाएगा, इसकी गारंटी का नाम नरेंद्र मोदी। और यही कारण है कि ऐसे लोगों को दबोचा जा रहा है, धरा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई करता हो, चाहे सीबीआई करता हो, चाहे ईडी करता हो। और जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो सारे भ्रष्टाचारी और सारे भ्रष्टाचारी दल के लोग इकट्ठा आ जाते हैं और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की बात करते हैं। इसलिए बात करते हैं ताकि इस प्रकार के अवैध संपत्ति रखने वालों को संरक्षण मिल सके। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार जब तक है, भारत की जनता के आशीर्वाद से ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होता रहेगा।